सभा संचालन समिति की भी बैठक थी और रामपुर सहित मुरादाबाद मंडल के लिए विकास की अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और कई हमारे स्थानीय सांसद, माननीय विधायक और हमारे संगठन के तमाम सारे लोगों ने जो डिमांड की है उसकी घोषणाओं का भी काम किया गया कि 2019 लोकसभा चुनाव में रामपुर सहित उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 73 से अधिक सांसद जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का पसीना और जनता का आशीर्वाद हमारी सफलता का ही आधार है। केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, जनता का लगातार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सामने हम लोगों ने एक नारा दिया है, मोदी जी की दूसरी पारी, यूपी की है जिम्मेदारी। अर्थात हम 73 प्लस सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के आह्वान के अनुसार उत्तर प्रदेश से जिता करके केंद्र में फिर से एक बार सरकार बनाने में सफल होंगे। अयोध्या में अभी भगवान राम की विशालतम प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया पर्यटन विभाग के माध्यम से आगे बढ़ी है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का सवाल आपकी ओर से आए उससे पहले ही मैं बता दूं, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन जब भी फैसला आएगा वहां रामलला का भव्य मंदिर ही बनेगा, कोई बाबर के नाम की स्मारक और इमारत अब नहीं बनेगी, इतना जरूर मैं कहूँ। हम तो चाहते हैं कि अगर ये न बनाना चाहते तो जरूर बना ले और इनको यह पता चल जाएगा कि नेता एक हो जाएं और जनता एक ना हो तो जीत नहीं मिलती है। 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास से हमें समर्थन दिया था, हमने पूरा प्रयास किया है कि जनता के विश्वास की कसौटी पर हम खरे उतरे। जितना समय हमें मिला है अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास किए हैं, जो बाकी काम है उसको आगे करते रहेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त विकास, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश, अपराधी या तो जेल जाएं या तो प्रदेश से बाहर जाएं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी और सरकार का नारा है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं।